गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं पब्लिक रिलेशन का डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस, जो कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक रिलेशन के बारे में हम बात करें तो पब्लिक रिलेशन का जो डेफिनेशन होता है वो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट मिल जाएगा, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन बताऊंगी, जो कि आपको याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, जिसे आप अपने एग्जाम में सही तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पब्लिक रिलेशन इज अ स्ट्रेटेजिकल अप्रोच, क्रिएशन ऑफ गुडविल एंड ब्रांड इमेज, डेवलपिंग कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड टारगेट ऑडियंस। तो पब्लिक रिलेशन का बेसिक काम ये होता है कि अपने कंपनी का इमेज लोगों के सामने बनाए रखना। अगर पब्लिक रिलेशन में किसी इंडिविजुअल के साथ मतलब गड़बड़ चलेगा तो उस दुकान, जैसे सपोज़ अगर आप किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि आपके मोहल्ले में 2 हलवाई वाला है, एक हलवाई वाला बहुत ही आपसे अच्छे से बात करता है, एक हलवाई वाला उतने अच्छे से बात नहीं करता है, दोनों की मिठाइयाँ की सेलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती हैं, तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट वाली मिठाई वाला के यहाँ जाना प्रेफर करोगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है। एंड अगर वो दूसरा मिठाई वाला अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो उसे अपने आप ही लॉस लगेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ गलत तरीके से बात ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फिर्म का, किसी भी इंडिविजुअल का एक ब्रांड रेप्यूटेशन बनाए रखने को हम पब्लिक रिलेशन बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। सो व्हेन एनी कंपनी इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इट, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, इट क्रिएट्स गुडविल, क्रिएट्स अवेयरनेस, क्रिएट्स ब्रांड इमेज। यानी कि जब भी किसी कंपनी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होती है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और किसी भी सेलिंग में इन्वॉल्व होती है, तो ये लोगों का ट्रस्ट जीतती है, किसी भी इंसान को अवेयर कराती है, किसी भी चीज़ को लेकर के अपनी एक ब्रांड इमेज बेसिकली बनाती है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सोचो, तो आप सोचोगे कुरकुरे के बारे में या KFC के बारे में। तो कुरकुरे के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये लोगों का ट्रस्ट जीतता है, ट्रस्ट जीता है, तभी तो आप इस प्रोडक्ट को परचेज करते हो। इन्होंने, कुरकुरे कंपनी ने लोगों को अवेयर किया है कि पहले था कि इनके कंपनी में कि प्लास्टिक है कुरकुरे में, हुआ था ना, तो कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, फैट्स के कारण, प्रोटीन के कारण वो लास्ट में ब्लैक रेसिड्यू हो जाता है। तो ये लोगों को अवेयर कराती है, अपना एक ब्रांड इमेज बनाती है कि हमारे कंपनी में कुछ भी गलत चीज़ नहीं होता है, हम अपने कंपनी को बेस्ट बनाते हैं, इसमें प्लास्टिक वगैरह नहीं है। ठीक है, बेसिक काम है पब्लिक रिलेशन का लोगों का ट्रस्ट जीतना, ताकि ट्रस्ट जीतेंगे अगर किसी कंपनी वाले जो हैं लोगों का अगर ट्रस्ट जीतेंगे तो लोग ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर करेंगे। सेकेंड चीज़ है कि लॉयलिटी जीतना, ठीक है, इट डेवलप्स लॉयलिटी। थर्ड थिंग इज द कंपनी एंड द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एम्स टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस बाय मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड अबाउट ब्रांड जस्टिफिकेशन। ठीक है, फोर्थ वन, ब्रांड इमेज एंड रेप्यूटेशन। कंपनी हैज़ चेंज टू बिल्ड रेप्यूटेशन थ्रू पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिसेस। कस्टमर जनरेट्स लॉयलिटी फैक्टर, दे इंटेंट टू बाय, देन इट प्रमोट्स गुडविल। वी कैन से पब्लिक रिलेशन पैक सब्सटेंशियल गुडविल ऑफ द कंपनी, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। द ब्रांड प्रमोशन विच इज डन इन सच अ वेज टू अलाइन कंपनीज ऑब्जेक्ट टू द सोसाइटी एंड द टारगेट ऑडियंस डेवलप ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सारा मैंने पढ़ दिया, मैं आप लोगों को एक एक करके समझा दे रही हूँ। तो आप लोग कमेंट में लिखोगे कि मैम तो बस पढ़ देती है, समझाती तो है नहीं। तो पब्लिक रिलेशन का डेफिनेशन सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना। अब मैं आप लोगों को एक एक करके इम्पोर्टेंस बताती हूँ। तो पहला वाला तो मैंने भैया आप लोगों को बता दिया है, दूसरा लॉयलिटी जीतता है ये भी आप लोगों को पता है, तीसरी चीज़ है कि जो कंपनी है वो लोगों को अवेयर कराती है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट नया आया है आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़। फिर फोर्थ है कि लोगों का एक अपना ब्रांड का इमेज बनाती है, अपने कंपनी का रेप्यूटेशन बनाती है। सपोज़ आप एग्जांपल के तौर पर देखो, मैकडोनल्ड्स, KFC एक टाइम पे इन दोनों कंपनीज़ में आई थी, क्या आई थी, क्राइसिस मैनेजमेंट आई थी, क्राइसिस आई थी। तो उस क्राइसिस से डील करना, अपनी कंपनी को एक ब्रांड बनाना, एक अपनी कंपनी का रेप्यूटेशन बनाना, डैट इज़ द पब्लिक रिलेशन।
सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।